नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में जैसे ही फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप फॉर्म भर लें। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट तैयार करा लें, और ये क्योंकि ये आपको फॉर्म भरते समय हो सकता है आवश्यकता लगे, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता तुरंत लगेगी या इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं नोटिफिकेशन में वो कब के लिए बोले गए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पहले एग्जाम डेट से पहले एग्जाम डेट क्या फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आप सभी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूरा कर लें, ताकि आपको बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको समस्या ना हो। मेनली आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी समय डॉक्यूमेंट को लेकर समस्याएं होती हैं। हो सकता है कि जैसा ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो फिल करने के लिए 15 तारीख से, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए मांगे, तो वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करके रखना है, अगर वो नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। जैसे हम बात करें, यहां पर देखिए क्या होना जरूरी है। यहां पर आपसे जो बोला गया है नोटिस में, ये ध्यान रखिएगा, जो नोटिस में यहां पर बोला गया है आपसे, हाँ यहां नोटिस में बोला गया है कि आयोग के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर, बोला ना किसी भी समय मांगे जाने पर, मतलब आपका हो सकता है कि जब फॉर्म फिल कराया जाए उस समय भी मांग सकता है, पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कभी भी आपका हो सकता है कि ऑनलाइन भी मेन सत्यापन की बात किया गया है, जब आपका डीवी होगा उसके समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो जरूरी है। बाकी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे फॉर्म फिल होगा उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है आपसे अपलोड करने के लिए मांगे। तो देखिए क्या क्या चाहिए। पहला आपका कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, जो आपका क्लास टेंथ का है ना मार्कशीट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका नाम होगा और आपका डीओबी होगा, वो सब के लिए। विज्ञापन की कणिका 4, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब जो आपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक और पात्रता परीक्षा है, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, यहां पर आपका बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, जो भी चीजें हैं, और यहां पर सीटेट हो गया या एसटेट हो गया, इनके जो आपके एक तरह से सर्टिफिकेशन है, आपके सर्टिफिकेट है, वो आपका जरूरी है आपके पास रहना। विज्ञापन कणिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, मतलब आपका उसका सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, साथ ही साथ जो आपके शैक्षणिक योग्यता है, मतलब ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या इंटरमीडिएट, जो भी आपकी योग्यता है, उन सभी की क्या चाहिए आपको, अंक पत्र चाहिए, मतलब जिसमें आपके मार्क्स लिखे हो, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। इसके बाद बोला है बिहार राज्य के अस्थाई निवास संबंध प्रमाण पत्र, मतलब डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से, देखो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, महिला उम्मीदवार जो होंगे उनका जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का, वो महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए दावा करने की स्थिति में, मतलब पिता के नाम से होना चाहिए आपका, ना कि आपकी शादी हो गई हो तो हस्बैंड के नाम से आपको नहीं चलेगा, आपके पिता के नाम से होगा अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट लगा रही हैं तो। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, विगत एक वर्षों से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में है। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए यहां पर, विगत एक वर्षों से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर होना चाहिए आपका। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिता के ओर से होना चाहिए। शुल्क में रियायत या छूट के दावा करने की स्थिति में आपको यह चाहिए। तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और यहां पर महिला के लिए बोला है कि आपके पिता के थ्रू होना चाहिए, ना कि पति वाला। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होना चाहिए। मतलब जो आपके बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका निकाला गया था कि EWS के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसका एक प्रमाण पत्र चलता है सबका, वो प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए, 22-23 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपका कैसा होना चाहिए कि जो बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 में बात किया गया है, उसी के अनुरूप आपका होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट ये सब आप लोग बनवा के रख लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद से दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होना चाहिए। मतलब आपका जो अगर फिजिकली हैंडीकैप वाला है आपका, वो भी आपका जो प्रारूप होता है उसी प्रारूप के थ्रू होना चाहिए जो बिहार में बनता है आपका, ठीक है। बाकी आपका यहां बोला मूक बधिर दिव्यांग DD का दावा करने की स्थिति में IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग OH कैंडिडेट का मनोविकार दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग MD एवं दृष्टि दिव्यांग VI का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब सबके लिए अलग अलग बोल दिया है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जैसे मूक बधिर वाले हैं उनका IGIMS पटना से होना चाहिए, ठीक है। OH वाले हैं मनोविकार दिव्यांग और ठीक है उनका होना चाहिए, और यहां पर बोला गया किससे, MD के द्वारा होना चाहिए, बहु दिव्यांग MD डॉक्टर के थ्रू। और दृष्टि दिव्यांग वाले VI वालों का बोला गया है इसका PMCH पटना से होना चाहिए। तो ये आपको पहले से बोला दिया गया है, तो जितने भी बच्चे हैं जो आपके PH में आते हैं वो इस ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा और वहीं से आप लोग बनवाइएगा जहां जहां से ये बोला गया है उसी प्रोफार्मा में जो बिहार का आपका विकलांग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद से बोला सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पंत्रांक 10/6/6/8 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग PW BD अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र और अनुसूची 2 के द्वारा शपथ पत्र चाहिए, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के ये जो संख्या दिया गया है कब का है, 22 के अनुसार जो बेंचमार्क दिव्यांग है PW BD वाले अभ्यर्थियों के लिए जो भी चाहिए वो यहां पे अनुसूची में दिया गया है, उसको आप लोग प्रमाण पत्र को देख के बनवा लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र उनका भी होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती और जो भी हो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जब आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। फिर बोला है केंद्र सरकार बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आप जैसे ही एग्जाम में जाओगे उसी समय आपको यह जरूरत पड़ेगी। पहले बोल दिया केंद्र सरकार बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके अधीन किसी भी पद में नियुक्ति हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु कि यहां पर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपकी परीक्षा में सम्मिलित हो, ये डॉक्यूमेंट भी आपके लिए जरूरी है। उसके बाद से बोला है फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए।
हाल की खींचा हुआ दो फोटो, मतलब तुरंत के आपका रिसेंट का दो फोटो होना चाहिए, उसके और कॉपी रख लेना है, आप दो फोटो बोला है और भी जरूरत पड़ेगी। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए, मतलब जब आप डीवी में जाओगे तो उसके लिए जो भी आप फॉर्म भरोगे वो वाला और जो आप आवेदन किए उस सब पूरा जितना भी मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म सब आपको रखना है। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाला जो ई एडमिट कार्ड होगा वो भी आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्रों की जांच के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर आपको क्या बोला गया है, बोला नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वह नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षण पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच कर ले। ये जांच करने की बात की गई है, ठीक है। चलो अब उसके बाद से हम बात करें कि सेकंड में प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई, मतलब अगर आपका कोई भी जाली सर्टिफिकेट पाया जाता है तो आप पर कार्रवाई होगी और आपको क्या किया जाएगा, नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और जितना वेतन पाए होगे सब वसूला जाएगा सूद समेत, ये ध्यान रखिएगा। तो जाली वाला काम मत करिएगा, फर्जी वाला काम मत करिएगा, जो चीज ओरिजिनल है वो आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देख लिया आपको क्या क्या आवश्यकता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, वो सभी रखे रहिएगा। इसमें आपको मेन जरूरी है फॉर्म फिल करते समय आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है ये जरूरी है, प्लस आपका मतलब वही पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जरूरी है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ध्यान रखिएगा। प्लस आपका बीएड वाला जरूरी है, सीटेट हो गया, एसटेट का जो आपका प्रमाण पत्र है वो जरूरी है, बाकी आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ये सब सर्टिफिकेट आपका फॉर्म भरते समय भी आपसे मांगा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटो तो लगता है। तो ये आपके डिटेल आपके डॉक्यूमेंटेशन के, अगर ये फॉर्म आपके पास नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट आपने अगर पुराना बना रखा है तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी नया बनवा लीजिए, क्योंकि वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को तो पहले ही बोल दिया है कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो भी ओबीसी और एससी एसटी हैं उनका जो भी सर्टिफिकेशन होगा, जो छूट के लिए दावा करेंगी उम्र के लिए, चाहे जो भी जिसके लिए भी ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं चाहे एससी एसटी से, तो उनका उनका पति के अकॉर्डिंग नहीं उनके पिता के अकॉर्डिंग होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों का ये प्रश्न रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, जो बच्चे नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें भी तैयारी करना है 1 से लेकर 5 तक फ्री ऑफ कॉस्ट परीक्षा प्लस पर क्लासेस चलाई जा रही हैं यूट्यूब चैनल पर, आप परीक्षा प्लस यूट्यूब से भी देख सकते हो और प्ले स्टोर से आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर भी आपकी क्लासेस हैं। प्लस अगर आपको 1 से लेकर 5 तक ईबुक के नोट्स चाहिए तो आप परीक्षा प्लस प्ले स्टोर से, ठीक है, आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे आप जाएंगे तो क्लासेस तो आपकी फ्री हैं, जो वीडियो क्लास है वो फ्री है, लेकिन जो ईबुक है आपका वो पेड है और इसके लिए मात्र 399 आपको पे करना होगा और ये ईबुक सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।